गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और कल कैसा रहा छुट्टी का दिन? सभी ने एंजॉय किया, सभी ने मजे किए। तो आज हम लोग पढ़ाई करें फिर से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश, है ना? क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लोग सीख रहे हैं अपर केस एंड लोअर केस अल्फाबेट्स, है ना? तो इन लास्ट क्लास वी हैव लर्न्ड हाउ टू राइट अपर केस एंड लोअर केस एस एंड टी, राइट? हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था हाउ टू राइट अपर केस एंड लोअर केस एस एंड टी, है ना? तो आज की हमारी इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है अपर केस एंड लोअर केस यू एंड वी। हाउ टू राइट इन अपर केस एंड लोअर केस यू एंड वी, ओके? तो स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑल राइट एवरी वन, ओपन योर नोटबुक। नाउ मैम इज ड्रॉइंग फोर लाइन। आई होप कि सभी को अच्छे से विजुअल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें यू कैसे बनाना है। सो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अपर केस एंड लोअर केस यू एंड वी एकदम एक जैसा बनता है ना? मतलब जैसे अपर केस में बनता है वैसा ही लोअर केस में बनता है, ठीक है? डिफरेंस क्या होता है वो मैम आपको बताएंगे। सो हम लोगों को अपर केस यू बनाने के लिए वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन लाइक दिस एंड फ्रॉम द थर्ड लाइन वी नीड टू गिव अ लिटिल बिट कर्व शेप एंड देन वी नीड टू ड्रॉ अ स्मॉल स्लीपिंग लाइन, ओके? एंड दिस स्लीपिंग लाइन ऑल्सो टर्न इन वन कर्व शेप अप्स डाउन एंड देन वी नीड टू ड्रॉ वन मोर स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम डाउन टू अप लाइक दिस, ओके? वन मोर टाइम, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन अप टू डाउन एंड फ्रॉम थर्ड लाइन वी नीड टू, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गिव लिटिल बिट कर्व शेप एंड नीड टू ड्रॉ वन स्लीपिंग लाइन ऑन द थर्ड लाइन एंड देन द स्लीपिंग लाइन ऑल्सो change in little bit curve shape like this, hai na? And then down to up or third line to first line we need to draw one more standing line and we draw our U. समझ आया? तो हमें U कैसे बनाना है? बहुत ही सिंपल है, बस ये गए और यहां से टर्न लेके ये बना दिया, तो ये बन गया हमारा अपर केस U. समझ आया अच्छे से? वेरी गुड। तो ये है हमारा अपर केस यू। नाउ नेक्स्ट केस सभी बच्चों ने बनाया। चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन करिए और अभ्यास करिए कि हमें किस तरीके से बनाना है अपर केस यू को। नाउ द टर्न इज हाउ टू राइट वी, अपर केस वी। सो अपर केस वी इज वेरी सिंपल। What we need to do, we need to draw one slanting line from first line to third line like this and one more slanting line from third line to first line like this and हमने बना लिया हमारा अपर केस V, है ना? One more time, first we need to draw one slanting line from first line to third line and then from the first line to third line to first line one more slanting line. So first we need to draw from the first line to third line and second we need to draw from the third line to first line aur ye ban jayega hamara upper case V. All right, now ab hame kya banane hai lower case, but before this you all need to practice, so ma'am ke sath fatafat se banaiye one slanting line and one more slanting line, done? बन गया, वेरी गुड। नाउ वी लर्न हाउ टू राइट लोअर केस यू एंड वी। हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को अपर केस तो हमने देख लिए, अब लोअर केस कैसे बनाना है, क्योंकि मैम ने कहा था कि बहुत इजी
क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम द सेकंड लाइन एंड वही हम लोग एक्सटेंडिंग लाइन बनाएंगे और थर्ड लाइन पे जब इसको कर्व शेप देते हुए स्लिपिंग लाइन बनाएंगे एंड देन हम लोग को वापस से स्टैंडिंग लाइन बना रही है। देखा है ना, सेम टू सेम है ना, इसी को कहते हैं ना सेम टू सेम। तो हमने जैसे फर्स्ट थर्ड लाइन में बनाया था, अब हमें सेकेंड एंड थर्ड लाइन में भी बनाना है लोअर केस के। ठीक है, समझ आया आपको? यानी अपर केस में हम लोग 3 लाइंस का यूज करते हैं एंड लोअर केस में हम लोग 2 लाइंस का यूज करते हैं। सो वन मोर टाइम, हमने स्टार्ट किया यहाँ से और यहाँ से आके इसको टर्न दिया एंड देन उसके बाद में ऊपर वाला बना दिया, तो ये बन गया हमारा लोअर केस यू। नाउ सिंपली हम लोगों को बनाना है लोअर केस वी। जिस तरीके से हमने फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन में वी बनाया था, अब हमें सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन में भी बनाना है। वेरी सिंपल, वन स्लैंटिंग लाइन, वन मोर स्लैंटिंग लाइन और ये बन गया हमारा लोअर केस वी। तो समझ आया आपको? सो वन मोर टाइम, सी बन गया, समझ आया सभी को अच्छे से? वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इन चारों का करेंगे अभ्यास, सभी लोग करेंगे प्रैक्टिस इन योर नोटबुक एंड देन उसके बाद में अभी हम लोग क्या देखेंगे, यू और वी से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। द वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट यू एंड वी, नाउ सी वो कौन कौन से वर्ड हैं जो कि यू और वी अल्फाबेट से बनते हैं, हम लोग वो देखेंगे एंड देन उसके बाद में वी चेक व्हाट वी नीड टू डू इन आवर नोटबुक्स। ओके, उसके बाद हम लोग अपनी बुक्स को देखेंगे कि हमें अपनी बुक में क्या करना है। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं यू और वी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। ओके, सो नाउ लेट्स सी द वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट यू। अब हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि यू अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वर्ड्स विद द पिक्चर। ओके, सो लेट्स सी विच पिक्चर इज दिस। इट्स अम्ब्रेला। क्या है ये? अम्ब्रेला। अभी अभी बारिश में हमने इसको यूज किया था ना? यस, यू एज एन यूनिफॉर्म। हमारी स्कूल की भी एक यूनिफॉर्म है ना? यस, इट्स अ यूनिकॉर्न। क्या है ये? यूनिकॉर्न। इट्स अ अगली। अच्छा, एक बात बताइए, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर, है ना? हमें जब कोई कहता है ना यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना। बट अगर हमें कोई ये कहे यू आर लुकिंग सो अगली, अगली का मतलब होता है गंदा देखना, है ना? सो ये देखो कितना गंदा लग रहा है ना, सो अगली मीन्स गंदा। नेक्स्ट इज अप। यू एज एन अप मीन्स ऊपर। यू एज एन अर्न। यू एज एन यूनिसाइकिल। यू एज एन यूनिसाइकिल। यू एज एन अंडर मीन्स नीचे। जब हम किसी चीज के नीचे होते हैं तो हम यूज करते हैं अंडर। यू एज एन यूएफओ। यू एज एन अंकल। सो अम्ब्रेला, यूनिफॉर्म, यूनिकॉर्न, अगली, अप, अर्न, यूनिसाइकिल, अंडर, यूएफओ एंड अंकल। सो देखे आपने यू से बनने वाले वर्ड्स, अब हम देखेंगे वी से बनने वाले वर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ लेट्स सी
द वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट वी. देखा आपने भी, हमने बनाया था ना ऐसा वी. सो वी एज एन वैन. वैन वी एज एन वायलिन. वी एज एन वास. V as in vendor. V as in vendor. V as in volcano. V as in violet. V as in vest. V as in valley. V as in vet. Okay, so ये सभी हमने words देखे जो कि शुरू होते हैं वी अल्फाबेट से. सो आप सभी ने अच्छे से देखे यू और वी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स. नाउ एवरीवन ओपन योर नोटबुक एंड लेट सी द वर्क व्हाट वी नीड टू डू इन आवर होमवर्क. ओके सभी बच्चे अपनी पर्ल्स वर्कशीट ओपन करें एंड पेज नंबर 40 पर आ जाएं. पेज नंबर 40 पर हमें दिया है, यानी कि हमारी वर्कशीट नंबर 40 पे हमें यू और वी बनाने के लिए दिया है. ये हमें करना है हमारे होमवर्क में. और हमें वर्कशीट नंबर 15 करनी है. इसमें क्या दिया है, सर्कल द पिक्चर हुज नेम्स बिगिंस विद हर द गिवन लेटर्स. सो सबसे पहले है एस. सो एस से क्या स्टार्ट होता है, शर्ट. तो हमें शर्ट को क्या करना है, सर्कल. टी से क्या है, टैप. टी से टैप. यू से अम्ब्रेला. एंड वी से जल्दी बताइए, वास. ओके सो दिस इज द वर्क विच यू नीड टू फिनिश इन योर होमवर्क्स वर्कशीट नंबर 14 एंड 15. एंड आफ्टर दैट यू नीड टू कंप्लीट वर्कशीट नंबर 33. यू नीड टू फिनिश यू लेटर. And 34, you need to finish V letter. Okay? So, this is the work you need to finish in your worksheet, Pearl worksheet. Okay? So, thank you kids and have a wonderful day.